आज का टॉपिक है सिंक्रोट्रॉन्स। तो आगे बढ़ते हैं, सिंक्रोट्रॉन के अगर बारे में बात करें तो सिंक्रोट्रॉन एक्चुअली एक और टाइप का पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। अब लाइट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बट पहले क्या है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स और हेल्प लेता है पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होते हैं एंड उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड उनकी जो एनर्जी है या जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर दैट प्रोड्यूसेस द लाइट। और आगे बढ़ते हैं, अब हमने बात की लाइट की, तो इसमें एक टर्म आती है सिंक्रोट्रॉन लाइट। अब सिंक्रोट्रॉन लाइट या इसको सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन भी बोला जाता है, एक एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि चार्ज पार्टिकल जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में एक्सेलरेट होते हैं, मूव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग सिंक्रोट्रॉन लाइट या सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन बोलते हैं। अब हमने बात की सिंक्रोट्रॉन की, अब सिंक्रोट्रॉन अगर बात बोले तो थोड़ा सा सिमिलर वर्ड लग रहा है, इट इज सिमिलर टू साइक्लोट्रॉन एंड समथिंग रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन। तो बोल सकते हैं बेसिक साइक्लोट्रॉन जो है उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है सिंक्रोट्रॉन, कि सिंक्रोट्रॉन में जो पार्टिकल है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वो एक्सेलरेट होता है। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो सिंक्रोट्रॉन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन एंड द सेकेंड वन इज प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन्स। अब उनमें से हम लोग पहला सिंक्रोट्रॉन उठाते हैं, तो पहला सिंक्रोट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन जो है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है, वो बीटाट्रॉन एंड साइक्लोट्रॉन दोनों के प्रिंसिपल के कंबाइंड इफेक्ट पे काम करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाता है एंड उसका जो रेडियस है ऑफ मोशन जो है वो फिक्स रहता है और उसकी इनिशियल एनर्जी जो रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 50 से 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। अब इसमें एक्सेलरेटिंग ट्यूब की बात करें, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो ट्यूब पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करता है, मूव करता है, वो ग्लास का या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें वर्ड यूज किया है टॉरस जो है एक्सेलरेटिंग ट्यूब, एंड टॉरस जो है वो ग्लास या प्लास्टिक का बना रहता है एंड जो डी है जो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में भी देखा था वो मेटल का बना रहता है। यहाँ पर ये जो टॉरस जो वर्ड यूज किया है हम लोगों ने, ये टॉरस एक्चुअली जो मोशन है उस मोशन के जो आउटर पार्ट जो है उस आउटर पार्ट को हम लोग टॉरस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि उसको एक्सेलरेट करने के लिए या डी एक मेटल उससे पार्ट से बना हुआ है, तो इसलिए उसको हम लोग एसी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फ्लक्चुएटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अब एसी पोटेंशियल प्रोवाइड किया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी होगा, क्यों, क्योंकि हमारा एसी वैरी हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोरस के एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें जो एसी पोटेंशियल अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या है एकदम उसके परपेंडिकुलर, डी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है। अब ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रखा जाता है, कैसे कॉन्स्टेंट रखा जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे कि बीटाट्रॉन में इंक्रीज किया जाता है। ये जो दोनों फिगर देखे जा रहे हैं ये दोनों सिंक्रोट्रॉन की डायग्राम्स है, ये पूरा का पूरा ट्यूब है जिसके अंदर पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। अब यहाँ पर ट्यूब में अलग अलग सेक्शंस हैं, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में हम लोग देख रहे हैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है एंड ये जो एकदम टॉप एंड बॉटम में है वो पॉजिटिव पोटेंशियल में है। और ये एग्जैक्टली ये जो दिख रहा है ये पोर्शन टॉरस है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्टिकल एक्सेलरेट है, यहाँ पर पार्टिकल इंजेक्ट किया जाता है, इस ऑर्बिट में मूव करता है एंड यहाँ से वो बाहर निकल जाता है एंड जो भी टारगेट पे हमको लेके जाना है वहाँ चला जाता है एंड ये उसका पूरा का पूरा डी है एंड इसी पोटेंशियल लगाया जाता है इस एक्सेलरेटिंग ट्यूब में जो कि मेटल की ट्यूब है। तो अभी आगे देखते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं दैट मीन्स उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि साइक्लोट्रॉन में इंक्रीज करते हैं एट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द डी में उसकी एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेट करने के बाद डायरेक्टली उसको इजेक्ट करते हैं
पार्टिकल एक्सीलरेटर से एंड रिक्वायर्ड टारगेट पे उसको लेके जाया जाता है या स्ट्राइक किया जाता है। अब इसमें टारगेट जो है कई बार टंगस्टन का यूज किया जाता है, तो जब हाई एनर्जी पार्टिकल को टंगस्टन पे स्ट्राइक करवाते हैं तो वहां से एक्सरे इजेक्ट होता है एंड उसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 300 मेगा वोल्ट की होती है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा 50 टू 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में पार्टिकल इंजेक्ट किया जाता है एंड जब वो बाहर निकलता है वो 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो किलो से मेगा की रेंज में एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है। अब पहले हम लोगों ने देखा वो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन था, नेक्स्ट इज प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन्स। अभी जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन्स है उसको बीवाट्रॉन और कॉस्मोट्रॉन भी बोला जाता है। अब प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन जो है ऑब्वियसली एज इट्स नेम सजेस्ट कि प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं हाई एनर्जी तक एंड वो जो एनर्जी है वो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो बेवाट्रॉन है या प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है उसके अंदर मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट में चार सेगमेंट होते हैं और वो कनेक्टेड रहते हैं चार इक्वल स्ट्रेट सेक्शन से, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर सेक्शन देखा था। ये जो चार सेगमेंट्स हैं या सेक्शंस हैं, चार क्वाड्रेंट्स हैं एक सर्कल के एंड उनका जो सर्कल का जो रेडियस है वो 30 फीट रहता है और वो एक स्ट्रेट सेक्शन से कनेक्टेड रहता है और वो स्ट्रेट सेक्शन है उसका जो डायमेंशन है वो 20 फीट रहता है हर एक सेगमेंट। अब इनिशियली क्या किया जाता है, जो प्रोटोन है उसको पहले एक्सेलरेट करते हैं लीनियर एक्सेलरेटर से एंड फिर उसको सिंक्रोट्रॉन के अंदर इजेक्ट किया जाता है उसके स्ट्रेट सेक्शंस के अंदर। अब ये जो स्ट्रेट सेक्शन है उसका एक अरेंजमेंट है अप्लाइंग द हाई फ्रीक्वेंसी एसी पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ये प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का डायग्राम है। ये जो इंजेक्शन पॉइंट है यहाँ से पार्टिकल इंजेक्ट किया जाता है सिंक्रोट्रॉन प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर। अब ये जो प्रोटॉन जब एंटर किया तो अब हमने चार सेक्शंस की बात की थी, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। अब ये हर एक सेक्शन से वो एक्सेलरेट कर रहा है लीनियरली, यहाँ से एक्सेलरेट होगा देन यहाँ पर एक्सेलरेट होगा, यहाँ एक्सेलरेट होगा एंड यहाँ एक्सेलरेट होने के बाद अब उसको क्या है कि जब उसका एक और ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं तो उसकी एनर्जी में और इंक्रीमेंट होता है। जब सफिशियंट एनर्जी गेन कर लेता है, सफिशियंट एनर्जी गेन करने के बाद वो सीधा इस पॉइंट से उस पार्टिकल को दैट मीन्स प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद टंगस्टन पे या जिस भी टारगेट पे हिट करना है उस टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं या हिट करते हैं। अब ये जो मैग्नेट फील्ड की हम लोग प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन की बात कर रहे हैं तो जो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं वर्टिकली लगाते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ। जैसे प्रोटॉन जो है स्ट्रेट सेक्शन से पास होता है वो एक्सेलरेट होता है और वो और ज्यादा ऑर्बिट में, अब ऑब्वियसली जैसे ही जैसे किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो टेंड करेगा कि अपने जो ऑर्बिट का रेडियस है उसको इंक्रीज करे। बट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होता है उसी रेट पे, तो क्या करता है कि प्रोटॉन बीम का जो रेडियस है ये जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको उसका रेडियस बढ़ाने नहीं देता वो। तो जो आउटपुट बीम है उसमें क्या है, हमको जो ऑर्बिट में जो प्रोटॉन घूम रहा है वो प्रोटॉन सीधा सीधा बाहर इजेक्शन पॉइंट से बाहर निकल जाता है एंड हमको क्या है सीरीज ऑफ पल्सेस ऑफ प्रोटॉन्स मिलती है कि जहां पर हम लोग को प्रोटॉन्स इजेक्ट करके बाहर निकलते हैं। और जो प्रोटॉन बाहर निकल रहा है एक्सट्रैक्शन पॉइंट से बाहर निकल रहा है उसको सूटेबल अरेंजमेंट से उस पार्टिकल को टारगेट पे स्ट्राइक करवाया जाता है। अब ये तो थी बेसिक थ्योरी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम उसको थोड़ी डेरिवेशन के बारे में बात करें तो रेवोल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी एक आयन की सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी एक सर्कुलर साइक्लोट्रॉन में वो इट इज गिवन बाय दिस, ये है एन एस फ्रीक्वेंसी 1/2 pi बीई स्क्वायर अपॉन एमसी स्क्वायर। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर में चीज एज इट इज लिखी हुई है बट जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में 2 pi के बाद एमसी स्क्वायर की जगह एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी यूज किया। अब जैसे कि हम लोगों ने बात की यहां पर जो एम नॉट सी स्क्वायर है इट इज द रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट एनर्जी
और टेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंड, तो दिस इज द टोटल एनर्जी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल को रिलेटिविस्टिक स्पीड पे एक्सेलरेट करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने नॉर्मल एम सी स्क्वायर को एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी दैट इज काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये जो है ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन किसी भी आयन की जब स्ट्रेट सेक्शन नहीं है। अब मान लो चार स्ट्रेट सेक्शन उसमें इंक्लूड किए गए और हर एक सेक्शन की लेंथ जो है एल है, तो जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो होगा बीई सी स्क्वायर एग्जैक्टली सेम एज इट इज 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी, और उसके साथ में उसकी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी दैट इज 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ एल, ये उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जब हम उसको चार स्ट्रेट सेक्शंस में से पास कराएंगे तब। तो मूव करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। अब प्रोटॉन जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसकी ऑर्बिट को कांस्टेंट रखेगा, दैट मीन्स उसकी रेडियस जो है वो सेम रहेगी, रेडियस में चेंज नहीं आएगा। तो हम रिलेशन की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंटम के बारे में, तो हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है दैट इज बी ई आर नॉट, तो ये क्या है, इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग यह बोल सकते हैं फोर्स है वो ये आ रहा है। तो जो यहाँ पर जो टी जो है, अगर मान लो हम लोगों ने टी अज्यूम किया, टी जो है काइनेटिक एनर्जी है किसी भी प्रोटॉन की जिसका मोमेंटम पी है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पूरा का पूरा रूट। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है वहां से उठाई है। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी में मोमेंटम एंड साथ में स्पीड ऑफ लाइट, रेस्ट मास एंड प्लस स्पीड ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वहां से आया है। तो अब इसको हम लोगों ने क्या किया, जो पी है यहाँ पर पी की वैल्यू उठा के इधर सब्सटीट्यूट करते, तो बी ई आर नॉट और साथ में सी बी ई आर नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस रेस्ट ऑफ द सेक्शन हम लोगों ने एज इट इज रखा है। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। अब इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया तो जो इक्वेशन है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, राइट हैंड साइड वाले का अंडर रूट कट जाएगा, तो दिस इज टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेस टू पावर फोर इज इक्वल्स टू इस पूरे का स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर एंड रेस टू पावर फोर। तो इस पूरे सेक्शन से हम लोगों ने क्या किया, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू उठाई, तो एम नॉट स्क्वायर सी रेस टू पावर फोर ये इस सेक्शन में चला जाएगा इधर, एंड यहां से हम लोग क्या करेंगे टी कॉमन निकाल लेंगे एंड ये रेस्ट ई स्क्वायर सी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर नीचे करेंगे और ये जो बी स्क्वायर है उसको अंडर रूट में लेके आएंगे, तो ये पूरा का पूरा बी की वैल्यू यहां से एज इट इज यहां पर आ जाएगी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फोर्थ एज इट इज हम लोग पीछे से इक्वेशन नंबर लेते हुए आए हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो पहली जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब उसको हम लोगों ने स्ट्रेट सेक्शंस में डाला, ऑर्बिट में घुमाया, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया एंडश रिलेटेड भी इक्वेशन नंबर सेकेंड, फिर उसके बाद हमारी ये जो होगी मोमेंटम है इक्वेशन नंबर फोर्थ थर्ड होगी सॉरी एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर फोर्थ है वो क्या है, बी बता रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। तो जो बी जो है वो क्या हो गया, बी जो है डिस्क्राइब करता है किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑर्बिट को इक्विलिब्रियम में बढ़ाता बना के रखता है, या अगर मान लो ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है और उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है एंड जो प्रोटॉन है वो उस ऑर्बिट में सर्कुलेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो बी जो है इस एक्सप्रेशन के थ्रू ऑर्बिट की ऑर्बिट में जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और एनर्जी इंक्रीज होने के बाद उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको कांस्टेंट रखता है किस तरह से। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड है जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है उसको बी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज जो इक्वेशन नंबर फोर्थ में ये जो आई थी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास एंडैश की वैल्यू आ गई, एंडैश इज इक्वल टू
ये पूरा का पूरा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, बी के वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन सिंक्रोटॉन्स में जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है वो इन फेज रहना चाहिए विद द सर्कुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन, ताकि जो ऑर्बिट है वो इक्विलिब्रियम में रहे एंड उसका जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहे। तो इसीलिए तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी बोला, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो एक्सेलरेट कर रहा है वो एन डैश को, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है दैट मीन्स अगर वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज में एंड फ्रीक्वेंसी में वो दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज एन डैश फ्रीक्वेंसी में एंड प्रोटॉन की जो एनर्जी है दोनों में, दोनों का जो वेरिएशन है वो एज इट इज सेम रहना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सिंक्रोट्रॉन्स। थैंक यू।